ये मैंने आज बनाया है बहुत ही सिंपल तरीके से कच्चे पपीते की मसाला सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने आधा केजी का कच्चा पपीता लिया है, इसको अच्छे से छील करके तैयार कर लेंगे। और ये मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है इसको इक्वली, और इसके बाद इसको अच्छे से धुल के ये तैयार कर लिया है मैंने। बिल्कुल आपको इक्वली ही करना है इसको पीसेस। और उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, इसको अच्छे से हीट करेंगे और इसमें 4 छोटे चम्मच घी ऐड करेंगे। तो जो हम फ्राई करेंगे वो घी में करेंगे, तो 4 चम्मच ये छोटे चम्मच से है। इसको सैलो फ्राई करना है हमें, बस डीप फ्राई नहीं करना आपको पपीते को। तो अच्छे से इसको हीट होने के बाद हम इसको पपीते को इसमें हम ऐड करेंगे। इसको सैलो फ्राई ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है आपको। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसे ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तो धीरे धीरे, और ये लगभग जो हमारा पपीता है वो ऐसे दिखेगा ब्राउन होने के बाद। अब इसे आप धीरे धीरे निकाल लें। ये जो पपीता ये हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये बिल्कुल धीरे से आप इसे अच्छे से, बिल्कुल एक भी घी नहीं होना चाहिए इसमें, अच्छे से छान करके आप इसको निकाल लें। और ऐसे ही सारे पपीते को आप घी से आप निकाल के अलग कर देंगे। और इसके बाद सेम कढ़ाई में आप मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ये मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है इसमें, और इसे भी अच्छे से गर्म करेंगे। और इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, और एक तेज पत्ता लेंगे, और ये हम हींग ऐड कर रहे हैं। तो ये हींग आधा छोटा चम्मच, बिल्कुल आपको हींग लेना है, उसको अच्छे से भुनना है। और ये जब भुन जाए तो आप इसमें, ये मैंने लिया है 2 बड़े प्याज और एक लाल मिर्च, तो सबको इकट्ठा ही पेस्ट बना लिया है, अब ये इसमें ऐड करेंगे। तो 2 प्याज लिया है और एक लाल मिर्च, उसको इकट्ठा करके पानी, आप बिना पानी के भी पेस्ट बना ही सकते हैं, वो बन ही जाएगा। उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर ना आ जाता तब तक आप इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अब ये हो चुका है, प्याज बिल्कुल आधा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, तो स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करें। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, इसमें बहुत ही सब जो मसाले हैं। और ये जाएगा धनिया आधा छोटा चम्मच, और ये जाएगा आपका आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर। और इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है लहसुन। तो लहसुन थोड़ी देर में करेंगे भुनने के बाद। तो ये हमने लहसुन लिया आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, तो ये भी इसमें मैंने मिक्स किया। अब इसके बाद हम कंटेनर उसको चलाएंगे और अच्छे से बिल्कुल, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले चिपके ना। और फिर हम ग्रेवी को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से भुनेंगे। तो खुद ब खुद उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऊपर आते हुए दिख जाएगा आपको। और ये अच्छे से भुनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको ये। और जितने भी मसाले यूज़ किए हमने, सब आधा चम्मच ही यूज़ किया है छोटे चम्मच से। इसमें ज़्यादा मसाले का कमाल नहीं है, बस जरा सा ही मसाला जाएगा इसमें। तो आपको थोड़ा सा ही मसाला यूज़ करना है। अब ये हो चुका है ये मसाला। अब इसमें हम जो फ्राई किया हुआ पपीता था हमारा कच्चा पपीता, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे मसाले में। बिल्कुल इसमें मसाला मिल जाना चाहिए, नीचे से ही आप चलाएं इस कलछी को, और ये रहा मसाला मिल गया है। अब इसमें हम जो जिसमें फ्राई किया था हमने घी वाले बर्तन में, उसमें पानी दे करके, ताकि जो घी है उस एक्स्ट्रा घी उसमें आ जाए। अब ये पानी मिक्स किया है हमने, और इसको हम धीमी आंच पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए देंगे। तो इसको पकने के लिए हमने छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम खोलते हैं इसको, देखो देखते हैं क्या है। अब ये देखिए आप खुद ही, उसका पानी बिल्कुल सूख चुका है, और जो एक्स्ट्रा ऑयल था और घी था वो ऊपर ही आ चुका है। अब लगभग बन के तैयार है, बस एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे, ये है गरम मसाला। तो आधा चम्मच वो भी गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे हम, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसकी खुशबू बहुत ही गजब की आ रही है। और ये कच्चे पपीते की जो आपकी सब्जी है वो बन के बहुत ही आसान तरीके से तैयार है। तो ये मसाला कच्चा पपीता, या यूँ कहें कि पपीता मसाला बनके तैयार है। कैसी लगी आपको रेसिपी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत ही आसान रेसिपी है ये।